हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आए हुए लेटेस्ट दो नोटिफिकेशन के बारे में। दोनों के लिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन वैकेंसीज के लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किस स्टेप को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, बिकॉज दोनों के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो ध्यान से आपको समझना है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होने वाली है, सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया गया है। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे एसबीआई की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम एसबीआई की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दो तरीके के अपडेट आए हुए हैं, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल अलग है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, इवन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए अलग पोर्टल है अप्लाई करने का। पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन की जो कि एसबीआई की तरफ से आ चुका है, जिसमें अगर सैलरी की बात करें आपकी 36,000 से 90,000 के प्लस आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। काफ़ी टाइप की इसमें वैकेंसीज आउट की गई हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों ही एलिजिबल है और दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अप्लाई कैसे करना है। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में सेम रिक्रूटमेंट का आप देख पाएंगे, क्लिक करेंगे लास्ट में आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट लिंक। पहला नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड का, सेकंड आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई का। सेकंड वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले अपने आप को आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप अपने आप को सक्सेसफुली रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम मेंशन करना है, पासवर्ड मेंशन करना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है अपनी सारी डिटेल्स फिल करके, जैसे कि आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कब आपने पास आउट की है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको करनी है फिल। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं और इसके लिए सिलेक्शन आपके किस बेसिस पे होने वाली है। इसके बाद हम सेकंड जो अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बैंक के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्ज़ाम के लिए, तो अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, जिसमें 100% स्कॉलरशिप भी आप विन कर सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हैं, जिसमें कि HP लैपटॉप है, सैमसंग का टैबलेट है, JBL हेडफोन्स है, इसके अलावा अदर गिफ्ट है, वो आप यहाँ से विन कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर आप आरबीआई की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई बैंक एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है बैंक कॉम्बैट, जो कि इस संडे होने जा रहा है। 60 मिनट का ये लाइव टेस्ट रहने वाला है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं और डिटेल्ड रिपोर्ट्स और वीडियो सॉल्यूशन के साथ आप बेहतर बना सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 1 करोड़ तक के एक्साइटिंग प्राइजेज आप जीत सकते हैं। और ये टेस्ट होने जा रहा है 6 मार्च को सुबह 10 बजे होने जा रहा है संडे को, इसके लिए आपको जल्दी से एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और मेरा कोड आप जरूर यूज़ कर लेना तानिया TANYA, कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, लिंक भी दिया है, वहाँ पर क्लिक करके जल्दी से आप एनरोल कर लेना। सो अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई का जो अपडेट आया है, पहले हम फर्स्ट नोटिफिकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। वैकेंसीज की बात करें इसमें असिस्टेंट की वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर की है, असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट की वैकेंसीज आउट हुई हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आउट की गई हैं। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज पर नॉर्म्स रहेगी, मैक्सिमम 40 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिल सकता है। तो अभी हमने पहला अपडेट ही डिस्कस किया है। अगर हम इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, एग्जाम आपका कोई नहीं है, इस अपडेट के लिए आपके इंटरव्यू होगी, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जो अपडेट आए हैं SBI का उसके बारे में। इसमें भी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। इसके लिए हर कोई आप में से एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। खास तौर पे फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर है अप्लाई करने का। इसके लिए पहले बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलने वाला है, क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा। सेम जो मैंने आपको पहले बताया, लास्ट में आपको रिक्वायर्ड लिंक मिलेंगे। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का एंड नोटिफिकेशन डिटेल्स का, उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे अपने आपको रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद लॉगिन करना है। रजिस्टर करने के बाद अपना यूज़र नेम आपको मेंशन करना है और पासवर्ड मेंशन करना है, अप्लाई करना है अपनी बेसिक डिटेल मेंशन करके, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और मिडिल नेम भी मेंशन करना है। इसी के साथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है वो सारी आपको एज इट इज़ फिल कर देनी है। फ़ी कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आपको अप्लाई करना है। एग्ज़ाम भी इसमें आपका नहीं होने वाला है, ना ही आपके इसमें इंटरव्यू होने वाली है। सिलेक्शन की अगर बात करें क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपके इसमें मेरिट लग सकती है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 612 वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल हेड ऑफिस के लिए ये वैकेंसीज है और फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पोजिशन की बात करें तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई हैं, अलग अलग लोकेशन वाइज है। सो इसके लिए अप्लाई करना भी स्टार्ट हो गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 12th पास एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। इससे पहले जो मैंने आपको पहला अपडेट बताया था उसके लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसमें सैलरी की, तो इसमें आपकी 7000 से 15000 इन हैंड सैलरी रहने वाली है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। बाकी दोनों में आपको किसी भी अपडेट में डाउट है या कोई समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।